हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रोग्रामिंग इन सी वीक 7 का क्विज असाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इन सी लैंग्वेज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग इज /0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ ए टू डायमेंशनल एरे इन सी कैर ए ऑफ 100 100, एज्यूमिंग दैट द मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल एंड दैट द एरे इज स्टोर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 0, द एड्रेस ऑफ ए 40 and 50 इज। यहाँ पे क्या दिया गया, कैरेक्टर ऑफ ए 100 100 और स्टार्टिंग एड्रेस दिया गया है 0, तो हम लोग को एड्रेस फाइंड करना होगा ए 40 50 का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है और कैसे इसका इवेल्यूएशन हम लोग करेंगे वो देख लेते हैं। 40 50, 40 मीन्स आई का वैल्यू, 50 मीन्स जे का वैल्यू, तो आई इक्वल टू 40, जे इज इक्वल टू 50। कैर ऑफ ए 100 100 दिया हुआ था, यहाँ पे ए 100 पहला वाला 100 है ए का वैल्यू, सेकेंड 100 है बी का वैल्यू। हम लोग कैर यूज कर रहे हैं मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर का स्टोरिंग कैपेसिटी कितना है मीन्स कैरेक्टर का साइज कितना है 1 byte, इसलिए सी इज इक्वल टू 1। और ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ए प्लस अंडर पैरेंथेसिस आई इंटू बी प्लस जे इंटू सी। तो इस हिसाब से अगर वैल्यू को हम लोग बैठाएंगे तो इसका आंसर आ रहा 4050। तो हम लोग आंसर क्या किए, 4050 मीन्स 4050। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ये प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, सेम टू सेम प्रोग्राम वहाँ पे जो दिया हुआ है, सेम टू सेम वही प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे किए हैं। ये करने के बाद हम लोग अभी रन करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, n1 = 18 and n2 = 17। तो हम लोग आंसर क्या किए, 18 17। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का डिसएडवांटेज होगा ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कंपेयर टू अदर सर्च एल्गोरिदम। ज़्यादा टाइम लगता है हम लोग को लीनियर सर्च में, कि 1 by 1 हम लोग सर्च करते रहते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम को भी हम लोग देव सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूट करके देख लेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। क्या दिया हुआ है प्रोग्राम, हैच इंक्लूड str.h string.h देन इंट मेन कैर string 20 हैलो string 220 वर्ल्ड देन स्ट्रिंग कॉपी किया है। इसका आंसर हम लोग रन करके देखते हैं क्या आता है, इसका आंसर है हेलो वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। तो इसका आंसर हम लोग किए 4th one D हेलो वर्ल्ड। देन नेक्स्ट एक प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग में इफ पार्ट मिसिंग है। तो क्या दिया हुआ, टू गेट द आउटपुट एज HWIORE, ये आउटपुट आएगा हम लोग का। तो इस हिसाब से इफ कंडीशन में क्या बैठेगा वो हम लोग को चॉइस करना है ऑप्शन से। तो ये हम लोग बैठा के भी एक बार देख लेंगे, जैसे इफ स्टेटमेंट में अगर हम लोग i mod 2 = 0 देंगे देन रन करके देखेंगे तो जो आंसर वहाँ पे मांग रहा आउटपुट का हिसाब से वो आउटपुट हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा जो दिया हुआ i mod 2 = 0, वो इफ कंडीशन में बैठेगा। देन नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसका आंसर होगा 0। देन नेक्स्ट जो है 8 का, इसको भी हम लोग रन करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए 8 का जो प्रोग्राम है वो हम देव सी प्लस प्लस में टाइप किए, अब रन करके देखेंगे, देखिए नो आउटपुट। इसके लिए हम लोग आंसर क्या किए, नथिंग विल बी प्रिंटेड। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट होगा 67,67। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन f1 क्या रिटर्न करेगा। तो पहले क्या दिया हुआ है, n > 5 मीन्स 5 वैल्यू। देन क्या दिया हुआ है, रिटर्न n को रिटर्न करेगा मतलब 5 रिटर्न किया। उसका बाद n = n+1 मीन्स होगा 5+1 मीन्स 6, देन 5 फिर 6 इंक्रीमेंट होगा फिर से, फिर रिटर्न करेगा जब तब उसका वैल्यू होगा 7। तो पहले से देख लेते हैं किसका आंसर क्या हुआ है, नंबर 1 का b, नंबर 2 का b 4050,
नंबर थ्री का होगा 1817, ऑप्शन ए। नंबर फोर का ऑप्शन बी। नंबर फाइव का ऑप्शन डी। नंबर सिक्स का ऑप्शन बी। नंबर सेवन का ऑप्शन ए। नंबर एट का ऑप्शन सी। एंड नंबर नाइन का होगा 67.67 एंड नंबर टेन का होगा 7। इसका बाद हम लोग सबमिट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।